हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले टर्म में बच्चों फ्लोरेसेंस देखा, उसका हम लोगों ने रेडियल डायग्राम भी देखा। अब ये डायग्राम है आपका फॉस्फोरेसेंस का, तो आज हम लोग समझते हैं फॉस्फोरेसेंस किसे कहते हैं और इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि रेडिएशन कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे एमिट होता है। चलिए तो शुरू करते हैं फॉस्फोरेसेंस। हेडिंग लगाइए फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस, तो बच्चों फॉस्फोरेसेंस की डेफिनेशन है, फॉस्फोरेसेंस जो टर्म डिराइव किया गया है ये फॉस्फोरस से लिया गया है। ये टर्म जो डिराइव किया है ये हम लोगों ने लिया है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो चमकता रहता है, हमेशा ग्लो करता रहता है डार्क में, इसलिए इससे टर्म को फॉस्फोरस की क्या क्वालिटी है, ग्लो इन डार्क। तो फॉस्फोरस टर्म से ही फॉस्फोरेसेंस को डिराइव किया गया है, ग्लो इन डार्क। ये स्ट्रिक्टली जो है फॉस्फोरेसेंस के लिए नहीं है, लेकिन फॉस्फोरेसेंस जो है हम अगर कहें तो अगर टाइम ड्यूरेशन डिलेड फ्लोरेसेंस को अगर हम बोले, डिलेड फ्लोरेसेंस जो फ्लोरेसेंस की प्रक्रिया हो रही है उसको अगर थोड़ा लेट कर दें, थोड़ा स्लो कर दें, तो वही प्रक्रिया फॉस्फोरेसेंस हो जाएगी। कुछ उसमें नया नहीं है, पिछले टर्म में हम लोग फ्लोरेसेंस पढ़कर आए कि एक्साइटेड अवस्था से सीधे ग्राउंड स्टेट में आए तो ये हो जाता है फ्लोरेसेंस। लेकिन इसी प्रक्रिया को थोड़ा डिले कर दें, थोड़ा लेट कर दें, टाइम स्पान बढ़ा दें, जैसे यहाँ पर टाइम था 10^-8 to 15 तक, वहां पर टाइम स्पान हो जाए 10^-3 to 5 तक, तो जब थोड़ा डिलेड हो जाएगा तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस। तो फॉस्फोरेसेंस क्या है, डिलेड फ्लोरेसेंस इज नोन एज फॉस्फोरेसेंस। यू कैन से डिलेड फ्लोरेसेंस is known as phosphorescence. क्लियर? तो ये चीज है, फॉस्फोरस से टर्म डिराइव हुआ है। डार्क में क्योंकि ग्लो करता था फॉस्फोरस, इसलिए फॉस्फोरेसेंस नाम दिया गया, और डिले फ्लोरेसेंस को ही हम लोग फॉस्फोरेसेंस बोल सकते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज होती हैं फॉस्फोरेसेंस की। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली क्वालिटीज की क्या है, प्रोसेस तब भी होगा जैसे फ्लोरेसेंस में क्या था, सोर्स ऑफ लाइट को कट कर दो तो प्रक्रिया रुक जाती थी, लेकिन फॉस्फोरेसेंस में अगर सोर्स ऑफ लाइट कट भी कर दें तो भी प्रक्रिया चलती रहती है। तो फिनोमिनन अकर्स इवन आफ्टर, फिनोमिनन अकर्स इवन आफ्टर द इंसिडेंट लाइट इज सट ऑफ, द इंसिडेंट लाइट इज शट ऑफ। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी में पहली क्वालिटी है कि अगर लाइट ऑफ सोर्स को बंद भी कर दें तो भी प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरा है मेनली कॉस्ड बाय, मेनली ये दो ही लाइट के अंडर में होगी, मेनली कॉस्ड बाय यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होगा उसमें, या वायलेट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम एंड वायलेट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। पहला तो इंसिडेंट लाइट का सोर्स कट भी कर दें तो भी ये प्रक्रिया चलती रहती है, और ये दो उसमें होती है, अल्ट्रावायलेट या वायलेट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में होती है। The phenomena occurs even after the incident light is set off. तीसरा
मेनली जैसे फ्लोरेसेंट था आपका मेनली एग्जिबिट बाय लिक्विड एंड वेपर्स, और ये है मेनली एग्जिबिटेड बाय सॉलिड। Mainly exhibited by solid. Fourth quality क्या है इसकी? Fourth quality है कि जो है time जो है इसमें जो है थोड़ा सा the time for Which light is emitted from phosphorescent substance depend upon the nature of time जो है emission का depend करेगा nature of solvent पर, nature of substance जो आपने लिया है time जो है उस पर depend करेगा, और दूसरी चीज depend करेगी कभी कभी temperature पर and sometimes तो सोर्स ऑफ लाइट जो जो लाइट एमिट होगी उससे वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड समटाइम्स ऑन टाइम, इन दो चीजों पर ही ये डिपेंड करता है। तीसरा है मैग्नेटिक और डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है जो इसकी, वो बिफोर इल्यूमिनेशन और आफ्टर इल्यूमिनेशन डिफरेंट होंगी। तो मैग्नेटिक एंड डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी properties are different before and after illumination. Clear? तो ये इतने आपके ये characteristic qualities हो गई जिसकी जिस जो फॉस्फोरिसेंस जो भी सब्सटेंस शो करेंगे उनमें, पहला तो ये है फेनोमेनन जो है उसी में होगा जिसमें अगर तब भी हो सकता है जब इंसिडेंट लाइट का सोर्स कट कर दिया जाए, मेनली जहां पर यूवी लाइट या वायलेट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम होगा तभी ये फेनोमेनन होगा, सॉलिड होना चाहिए सब्सटेंस तभी वो फॉस्फोरिसेंस शो करेगा, लाइट कितनी एमिशन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस और टाइम पर। लास्ट है मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो इल्यूमिनेशन के पहले और बाद में डिफरेंट होगी। तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज ऑफ फॉस्फोरिसेंस। अब नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ फॉस्फोरिसेंस जो इस डायग्राम से आप समझेंगे। अभी आपने डेफिनेशन देखी और आपने इसके कुछ क्वालिटीज देखी कि फॉस्फोरिसेंस कहाँ पे होगा और कैसे होगा, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है जो फॉस्फोरिसेंस के लिए। अब हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फॉस्फोरिसेंस ये डायग्राम आप देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूं। S1 टू S0 पहली अवस्था है, ये S1 है ऊपर, S1 टू S0, तो मैं S1 टू S0 आपको बता रही हूं। इसमें क्या होगा, द एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिटर्न डायरेक्टली टू ग्राउंड स्टेट, the excited molecule return directly to ground state. ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो आपका है देखिए डायरेक्ट यहां पर पहुंचा है और S1 से डायरेक्टली S0 पे ग्राउंड स्टेट पे आ गया है। तो एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिटर्न डायरेक्टली टू ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर इंटर सिस्टम जो क्रॉसिंग होती है नॉन रेडिएशन वो हुआ है, मतलब ऊपर से नीचे सीधे सीधे आया और यहाँ पर ग्राउंड स्टेट पे आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ग्राउंड स्टेट अंडर सच कंडीशन, मतलब किसी भी कंडीशन में, अंडर सच कंडीशंस
ठीक, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंस। क्लियर, ये S1 से S0 तक है। दूसरा आइए, दूसरी स्टेज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों वो है S1 to T1। S1 to T1 स्थिति देखिए क्या है, ये S1 है और ये है आपका T1, ये आपकी T1 अवस्था है और ये आपकी S1 है। S1 से T1 आने में क्या हो रहा है, S1 से T1 आने में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो हो रही है नॉन रेडिएटिव से, मतलब S1 से T1 में आ रहा है। मैंने आपको पहले ये चीज बताई थी कि मान लीजिए यहाँ S1 S2 स्टेट है, यहाँ पर T1 T2 T3 स्टेट है। अगर ये S1 S2 से S1 में जा रहा है, ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई, या यहां से यहां आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं IC, इंटर कन्वर्जन। लेकिन चांस की बात ऐसा हो कि जो यहाँ पर ये S3 स्टेट है और यहां से ये यहां पहुंच जाए T2 T1 और ये S0, अगर ये यहाँ पे पहुंच जाए तो इसको बोलते हैं ISC। तो यहाँ ऐसा ही हुआ है, S1 से T1 पे जा रहा है, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही है S1 से T1 तक जाने में, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो S1 से इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट, इसमें क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, मैं एक एक चीज आपको स्टेट समझा रही हूँ डायग्राम के थ्रू। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एक्साइटेड मॉलिक्यूल मे रिटर्न टू लोअर एक्साइटेड स्टेट थ्रू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, डायरेक्टली ना आए, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू बीच में एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, है ना। ये सिंगलेट स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट पे आ जाए, ये हायर स्टेट है ये लोअर है, थ्रू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग टू लोअर एक्साइटेड स्टेट थ्रू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ISC का फुल फॉर्म है थ्रू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, ये नॉन रेडिएटिव है क्योंकि यहां से यहां तक ये नॉन रेडिएटिव। अब यहां से यहां तक आएगी तो ये अवस्था जो है आपकी विच इज नॉन रेडिएटिव। नॉन रेडिएटिव स्टेट होगा। अब T1 से पहली अवस्था S1 से S0, सीधे S1 से S0, दूसरी आई आपकी S1 से T1, अब तीसरी अवस्था T1 से S0। तो हम थर्ड कंडीशन अगर यहां देखें, T1 से S0, T1 टू S0, हमने तीन अवस्था में इसको बांटा है। पहला तो हम लोगों ने बांटा था S1 से S0 डायरेक्टली, देखिए एब्जॉर्ब किया और डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ हायर स्टेट में आगे हायर एनर्जी हो गई थी, अनस्टेबल हो गया था, जब अनस्टेबल हो गया तो ये यहां से एनर्जी लूज करके नीचे आ गया, ये पहली अवस्था। दूसरी अवस्था हम देखी कि डायरेक्टली नीचे ना आए, बीच में लोअर एक्साइटेड स्टेट पे आ जाए थ्रू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के S1 से T1 पे आया। अब तीसरी अवस्था हम देख रहे हैं कि लोअर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने की, तो ये है T1 से S0। यहाँ T1 से S0 में मॉलिक्यूल के आने की अवस्था बहुत बुरी होती, बहुत पुअर कंडीशन है कि बहुत ही कम संभावना है कि T1 से S0 तक मॉलिक्यूल जल्दी से आए। ऐसा क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल T1 अवस्था पे यहीं पर अटक जाता है, वहां से आके यहाँ पे तुरंत यहाँ पे नीचे ये नहीं आता है,
इस जो यहाँ पर T1 पे मॉलिक्यूल यहाँ पे अटक गया है, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम लैग। इसको क्या बोलते हैं? टाइम लैग। मतलब T1 पे जो मॉलिक्यूल आया वो S0 पे आने में इसकी बहुत समय लगता है, बहुत पुअर कंडीशन, बहुत कम संभावना होती है कि ये तुरंत यहाँ पर आ जाए। और यहां से यहां आने पे जो समय डिलेड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम लैग बोलते हैं। ये से यहाँ पर लंबा हो सकता है, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर बहुत देर तक यहाँ पर रुक सकता है, यहाँ पर ही बना रह सकता है और नीचे बहुत जल्दी हो सकता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? T1 से S के बीच में जो यहाँ पे आने में जो देरी लगाता है, यहाँ से यहाँ तक मॉलिक्यूल आने में जो टाइम लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम लैग बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेज जब लंबा हो जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरेसेंस। तो इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, द चांसेस ऑफ रिटर्निंग ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम T1 टू S0 आर वेरी पुअर। रिटर्निंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम T1 टू S0 इज वेरी पुअर, बहुत कम होते हैं। ठीक, नीचे वो आना नहीं चाहता है और इसके बीच में मॉलिक्यूल वहां पर स्टे कर जाता है, मॉलिक्यूल स्टे इन T1 स्टेट। दिस टाइम जो टाइम जो ये मॉलिक्यूल ले रहा है नीचे आने में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस स्टे इज टाइम लैग। दिस स्टे इज नोन एज टाइम लैग। और जो ये टाइम ज्यादा ले रहा है ना, यही फॉस्फो, क्योंकि हम लोगों ने कहा था डिलेड फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस को जितना डिलेड कर देते हैं उसको ही हम लोग फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। तो ये हो गया टाइम लैग। अब यहाँ T1 पे मॉलिक्यूल स्टे कर रहा है, थोड़ी देर बाद जो है ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आता है तब उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। द मॉलिक्यूल, मैंने जगह नहीं है तो मैं इसको बिगाड़ रही हूं, उतना आपने नोट कर लिया है, ये समझ लिया तो समझ लीजिए आपका फॉस्फोरेसेंस आपको समझ में आ गया। The molecule which succeed in passing back to S0 emit is known as emit radiation is known as phosphorescence. Clear? देखिए, तीन वे थे, एक बार फिर इस डायग्राम को समझ लीजिए। पहली बार में S0 से, अपनी कॉपी में देखिए, S1 से S0 में मॉलिक्यूल यहाँ पर H न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ऊपर गया, अनस्टेबल होने के कारण, हायर एनर्जी होने के कारण एनर्जी लूज करेगा, S0 में आ गया। इस घटना को हम लोग फ्लोरेसेंस बोलते थे। अब मॉलिक्यूल के पास एक दूसरा उपाय भी था कि उसने क्या किया कि S1 से डायरेक्टली S0 पे ना आके T1 पे आ गया लोअर एक्साइटेड स्टेट में। ये है आपकी हायर एक्साइटेड स्टेट S1, ये लोअर एक्साइटेड स्टेट T1 पे आया और इंटरसेप्ट सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा नॉन रेडिएटिव थी, ये यहाँ पर आकर अटक गया। मॉलिक्यूल यहाँ पर आया तो इसने डायरेक्टली एनर्जी अपनी रिलीज नहीं की, इसने रेडिएशन रिलीज नहीं किया और यहाँ पर ये रुक गया। यहाँ पर जो रुक गया, जो उसने समय लिया, इसको हमने बोला टाइम लैग। ये जो टाइम लैग है, इसके बाद थोड़ी देर बाद मॉलिक्यूल ने अपनी रेडिएशन जो है रिलीज करने शुरू की। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं, आफ्टर सम टाइम जब उसने ये एनर्जी रिलीज की, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं
फास्फोरेसेंस। तो आई होप आप लोगों को फास्फोरेसेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो ये है फास्फोरेसेंस, तो आपने फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस देख लिया है। नेक्स्ट टेन पे हम लोग डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस देखेंगे। तब तक घर में रहिए बच्चों, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे।